नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। प्रेमिका के हत्यारे ब्लेड रनर पिस्टोरियस को 6 वर्ष की कैद। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले दक्षिण अफ्रीका के ऑस्कर पिस्टोरियस को प्रेमिका रीवा स्टेनकैम्प की हत्या के मामले में बुधवार को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। ब्लड रनर के नाम से मशहूर 29 वर्षीय पिस्टोरियस को न्यायाधीश तोकोजीदे मासीपा ने यह सजा सुनाई। वह अपनी सजा कोसीमामपुरा जेल के हॉस्पिटल विंग में काटेंगे, जहाँ वे वास्तविक सजा का कुछ हिस्सा काट चुके हैं। 3 वर्ष पहले पिस्टोरियस ने अपनी प्रेमिका रीवा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिस्टोरियस ने रीवा पर 4 गोलियां दागी थीं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। गंगा सफाई की 300 परियोजनाएं हरिद्वार से होंगी शुरू। केंद्र सरकार गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगा योजना के तहत गुरुवार को हरिद्वार से 2000 करोड़ रुपए की 300 परियोजनाओं की शुरुआत करेगी। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने बुधवार को यहां कहा कि गंगा की सफाई के लिए घाटों के नवीनीकरण, मल शोधन संयंत्र, वृक्षारोपण, जैव विविधता जैसी परियोजनाएं शुरू की जानी है। और गुरुवार को उत्तराखंड के हरिद्वार से राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे। उमा ने कहा कि गंगा तथा यमुना नदी की सफाई की इन योजनाओं की शुरुआत गुरुवार को एक साथ 104 स्थानों पर की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने सद्दाम को सराहा, हिलेरी ने की तीखी आलोचना। हिलेरी क्लिंटन के प्रचार अभियान दल ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तारीफ किए जाने की तीखी आलोचना की है और कहा है कि ऐसी टिप्पणियां दर्शाती हैं कि बतौर राष्ट्रपति वे कितने खतरनाक होंगे। उत्तरी कैरोलिना में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप की ओर से सद्दाम की तारीफ किए जाने के बाद हिलेरी के प्रचार अभियान के जैक सुलिवान ने बयान में कहा कि क्रूर दबंगों की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप की कोई सीमा नहीं है। सुदर्शन पटनायक ने बालू के 100 रथ बनाकर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। जाने माने बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी तट पर बालू के 100 रथ बनाकर एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने के साथ ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह हासिल कर ली। उन्होंने बुधवार को बताया कि मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से इस बारे में औपचारिक पुष्टि मिल गई है। पद्मश्री से सम्मानित पटनायक पहले ही 20 रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि 2500 वर्ग फुट इलाके के अंदर 100 रथ बनाने के लिए बालू की करीब 800 बोरियां लगी। अदन हवाई अड्डे पर दोहरा हमला, 6 लोगों की मौत। दक्षिणी यमन में अदन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सटे सैनिक ठिकाने को निशाना बनाकर किए गए दोहरे कार बम हमले में कम से कम 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। सैनिक सूत्रों ने घटना की जानकारी देते हुए इसके लिए जिहादियों को जिम्मेदार ठहराया। हमलावरों ने सैनिक ठिकाने के गेट पर एक कार बम विस्फोट करके दूसरी कार के लिए अंदर जाने का रास्ता बनाया और भीतर जाने के बाद दूसरे वाहन को भी विस्फोट से उड़ा दिया। इस दौरान कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।